रिकॉर्ड कुछ सी है। गुड मॉर्निंग। ये बड़े निष्कपट होते हैं, ये बड़े निष्कपट होते हैं रिलेशन में। ये लोग माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। माइक ऑफ कर दो सब। मंतोष वही ठीक है। निष्कपट मैंने की ये सिंपल होता है। नहीं सिंपल भी नहीं बोलेंगे, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। रिलेशन में रिलेशन को बनाए रखने के लिए एक दूसरे का कभी एक दूसरे को धोखा देने का कोशिश नहीं करना। निष्कपट भाव से सिंपल वे में रहना है, किसी को गलत नहीं सोच के उसके साथ दोस्ती करना है, अपना काम निकालना है, ऐसा वाला दोस्ती नहीं करना है। ठीक है। रिलेशन में, रिलेशन मतलब कैसा कि घर के जो रिलेटिव है या दूर के रिलेटिव है उनके साथ उस तरह से रहना है। कभी भी एक दूसरे में विश्वास करके रहना है। और मन में ये नहीं सोच के कि चलो उससे मेरे को फायदा होगा इसलिए मैं उससे दोस्ती करूंगा, इन लोगों को टावला। ठीक है। साथ साथ बिजनेस में भी संगी संगी की बिजनेस में भी जो बिजनेस कोड में कोलो काज स्कूल आछे डॉक्टर आछे और कोनो बिजनेस आछे दुकानदारी करे कोनो रकम बिजनेस ओइखने कॉम्प्रोमाइज क्वालिटीते कॉम्प्रोमाइज करबे ना। जेरकम कोनो आमरा देखि अनेक अनेक लोग आछे डॉक्टर गुलो ওদের চেম্বারে গেলেই বোঝা যায় কিয়া কিরকম একদম পরিষ্কার ভাবে সব কিছু ভালো লাগতেছে দেখতে। আর ওনার টেবিলটা খিড়কি দরজা বইগুলো একদম ভালো মতন রাখা আছে। ওর কোয়ালিটিতে ওরা মানে কম্প্রোমাইজ করে না। ও ছোটি ছোটি বাতো আর সামান কি পুরি ডিটেল মে চাতে। এটা আমার কথা বলছিলাম তো, এই যে আমি গেছিলাম এই মানে ওয়াইফের জন্য বলছিলাম যে আমি গেছিলাম অর্নামেন্ট খরিদ করতে সোনা দোকানে। তো ওইখানে গিয়ে ওরা যে হিসাব কিতাব করে তো সব কিছু হিসাব কিতাব আগে থেকে করা রাখে, ওদের ওয়েটগুলো সব লেখা রাখে। আর বেশি বেশি কী করবে, মেকিং চার্জটা একটু 10% 20% কম করে দেবে, এটাই হয় বেশি বেশি ভাগ। কিন্তু ভাই বললো ভাই এটা আমাকে ভালো মতন বোঝাও যে তোমরা কীভাবে নাও, আজকে রেট বলো, এরকম করে ছোট 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 ডিটেলটা নিল, এমনি ছাড়লো না। আমি বললাম ওরা তো সব কিছু ক্যালকুলেটার আছে, ছাড়ো না কি নয় তো মতলব এত জিজ্ঞেস করার কী আছে। বলছে না দাঁড়া না আমাকে দেখলাম জানি যে এরকমই করে, যাবে যে কিছু নেবে ওটা এটা কী আছে এটা কী আছে এটা কেন এই পয়সাটা কেন নিলাম এইসব করে তাহলেই নেবে। পুরো ডিটেল মে যাতে জিসে কি কই গলতি ইয়া ত্রুটি কি গুঞ্জাইশ না, কোনো কোনো রকম ভুল ভাল হলেও ওইটা হতে দিবে না। মন ফুললি স্যাটিসফাই হয় তাহলেই ওই জিনিসটা। আর বলবে যে দেখো ওই হয়েছিল কত 0.004 গ্রাম। ঠিক আছে। ওর টাকা যখন আবার ওয়েট করলো তো 0.004 গ্রাম কম হয়ে গেছে ওয়েট করার সময়, যত লেখা ছিল ওখান থেকে 0.004 গ্রাম কম হয়েছে। বললো কি তুই কম হ্যাঁ ইসকা কম করো। হ্যাঁ बोलो बेटा यार 0.004 ग्राम में क्या होता है। बोला सब्जी में नहीं होता है, सोना में तो होता है। सब्जी में भाई चलो 5-4 ग्राम 10 ग्राम आगे पीछे हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन सोना में तो पॉइंट
004 ग्राम का वैल्यू है ना, उसका भी जो पैसा लगेगा, ऐसा थोड़ी वो उसका पैसा दे देंगे, उसका पैसा माइनस करो। ये रकम बोले माइनोटली ऑब्जर्व करे, माइनोटली डिटेल से जावे कि एटा क्यों, एटा क्यों, एटा क्यों, क्यों ये सब करे, क्यों करे, कहीं कोनो भूल भाल ना हो। और हमारे जो हिसाब होचे एकदम प्रॉपर था, इससे कोई गलती या त्रुटि की गुंजाइश ही ना हो। जैसे कि वही प्रथम केस था जो ब्लीडिंग हाई पीरियड समय एकदम कंटिन्यू चलते से और माथा चक्कर मुख तो फूले गए ब्लड नहीं तो ये सब हो बियर आगे ওই সব কিছু অ্যাগ্রিমেন্ট করে নিয়েছিল যে আমরা কিভাবে থাকব, কিন্তু ওইটা না হলে কি হয়েছে, তাই জন্য ওরা ইতনা ডিটেল মে ইয়ে লোক ইসিলিয়ে যাতা হয় কি বাদ মে নেই পস্তানা পড়ে, কোই ভুল নেই হো যায় লাইফ মে। তো ও জো শাদি কে পহলে ও লড়কি পুরা অ্যাগ্রিমেন্ট কিয়া কি ভাই হম লোক জব রহেঙ্গে তো অকেলে রহেঙ্গে, ঘর সে আকে কোই নেই রহেগা হামারে সাথ, हम जाएंगे घर वर सब जाएंगे, लेकिन वो हम लोग जहाँ रहेंगे वहाँ अकेले रहेंगे। नहीं हुआ, पूरा सब कुछ किया, एग्रीमेंट तक किया, लेकिन जब नहीं हुआ तो क्या हुआ, बीमार होना शुरू हो गया। इसीलिए ये लोग ऐसा करता है कि भाई वो नौबत नहीं आना चाहिए कि बीमार होना पड़ जाए, तो पहले से सारा कुछ सेट कर लो, कोई गलती नहीं रहना चाहिए उस चीज में। जैसे जैसे कि वो पेशेंट मैंने में देखने को मिलता है, उसने शुरू से अपनी शादी के सेटलमेंट के समय से लेकर अभी तक की सारी बातें पूरे डिटेल में बताए। पहला केस जो बोला था ब्लीडिंग होता है शादी के बाद, मेरा ऐसे मैं सोई रहती हूँ, हस्बैंड वाइफ सोए रहते हैं तो मेरा देवर आके सेम बेड पे सो जाता है, और भी बहुत सारी बातें जो बोल नहीं सकते, ये सारी बात डिटेल में बताने का क्या जरूरत है। इसीलिए बताना है कि भाई कहीं कोई भूल नहीं हो जाए कि डॉक्टर मेरे को अच्छे से समझ ना पाए, मेरी दवा सही से, या आयुष वाला नहीं है कि बिट्रेड हो जाएगा, उसके लिए नहीं है। आयुष में इसीलिए डिटेल में बताता है, एक एक माइनूटली, और नेकेड भी हो जाता है, यहाँ नेकेड वांट्स में नहीं है ना, तो जो और भी बातें वो मैं नहीं बोल सकती वो छुपा लिया इसने, लेकिन हायुस होता तो क्या करता, सारा बात बताता, क्योंकि नेकेड माइंड। ऐसे व्यक्ति जो जीवन में ऐसी भावना रखते हैं उनको सफलता मिलती ही मिलती है। जो लोग इतना मेहनत से काम करेगा, इतना क्लियर रहेगा हर जगह पे, कोई भी चीज में एकदम से क्लियर रहेगा, उनको लाइफ में तो ही विल एक्सेल, उनको ऊपर जाएंगे, उतना जो इतना साफ सुथरा से रिलेशन में भी दोस्ती अच्छा से रखेंगे, रिलेशन में एक दूसरे को धोखा देने वाले माइंड से काम नहीं करेंगे, बिजनेस के पूरे डिटेल से काम करेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, और बिजनेस को भी एकदम प्रॉपर क्वालिटी में, चोरी चकारी ये सब काम नहीं है, एकदम प्रॉपर क्वालिटी में बिजनेस होना चाहिए। क्वांटिटी अगर हम दे रहे हैं तो क्वालिटी भी देना। तो ये सारी चीजें आर्सेनिक के दिमाग में हमेशा चलता रहता। तो जो व्यक्ति इस ढंग से, जो भी बच्चा, कोई भी बच्चा है, तो अगर वो अपने पढ़ाई लिखाई में एकदम प्रॉपर हो, टाइम से 2 घंटा पढ़ना है, किताब कॉपी को अच्छे ढंग से रखना है, तो वो बच्चा नेचुरली आगे चल के अच्छा करेगा, क्योंकि बचपन से उसने ऐसा अपने आप को बना रखा है कि हर चीज के बारे में अच्छे से जानकारी लेना है, और हर चीज को एकदम से जो वे में होना चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए वैसे रखना है। ठीक, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे और ऊपर की तरफ जाते हैं, दूसरों से अलग होते हैं ये लोग। आर्सेनिक पेशेंट सोसाइटी में बहुत सम्मानजनक स्थान पाते हैं, तो इसीलिए सम्मान क्यों होता है कि भाई आप जो भी काम करते हैं बहुत ही क्वालिटी होती है उसकी, और बहुत अच्छे ढंग से लोगों के साथ व्यवहार के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ आप लोगों के साथ काम करते हैं, तो नेचुरली सब लोग आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि नहीं भाई ये काम इनको दे दो। ठीक है,
तो ये जो एक्सपेक्टेशन होता है तो आर्सेनिक को घबराहट होने लगता कि यार मेरे को मेरे ऊपर सब कुछ दे दिया, अब मेरे को ये करना है। ठीक है, तो ऐसा वो इसलिए करते हैं कि अंदर में एक प्रकार का भय होता है कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए। ठीक, गलती ना हो जाए इसलिए सदैव चलते रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमेशा एकदम एक परसिवरेंस, जो अच्छा चीज है उसके लिए पर्टिनेसिटी, अच्छे डायरेक्शन में परसिवर करना। पर्टिनेसिटी का मतलब क्या है, अभी हमने एक रूबरी बताया था पर्टिनेसिटी, वो शायद आगे है। ठीक है, तो परसिवरेंस के साथ साथ पर्टिनेसिटी है इसमें, क्योंकि अच्छे मन भाव से काम करना, कोई जो अच्छा काम है वही करना। पर्टिनेसिटी में परसिवरेंस ही है, वो भी एक परसिवरेंस है, वो भी लगे रहना है। लेकिन पर्टिनेसिटी में थोड़ा सा फर्क होता है कि अच्छे मन से करना, उसमें बैड इंटेंशन के साथ परसिवर नहीं करना। ठीक है, तो ये जो लोगों का एक एक्सपेक्टेशन हो जाता है, क्यों उसके लिए क्या रूब्रिक है? ठीक है, कि लोगों का एक्सपेक्टेशन हो गया कि भाई इनको दे दो सारा काम, एक परिष्कार एकदम अच्छे ढंग से कर देंगे, है ना। हो जाता है, कोई कोई लोग ऐसा होता है गांव में, या पूजा, अभी जैसे पूजा आ रहा है तो पूजा में एक आदमी ऐसा मिल जाएगा कि जो भाई इसको दे दो और ये सारा काम सही ढंग से करेगा, इसमें कहीं आप इसका कोई भी गलती या कोई भी फ्लॉ नहीं निकाल सकते। ये सोच के लोग उसके ऊपर एक्सपेक्ट करना, जब लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है ऐसे लोगों से बढ़ेगा ही कि नहीं भाई ये तो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, चलो इनके दुकान से हम लेके आएंगे, आपको वहाँ कोई चीटिंगबाजी नहीं होगा, ये जो है वही रेट लेंगे। तो ये जो एक्सपेक्टेशन हो जाता है उससे लोग इसमें घबराहट होने लगती है। इसलिए एक्सपेक्टेशन के साथ साथ क्या है, यही फास्टिडियसनेस क्यों है। ठीक है ना, क्यों है ये फास्टिडियसनेस? ठीक है, यही एक्सपेक्टेशन के कारण। इसलिए ये इतना क्वालिटी, इतना डिटेल, माइनेट डिटेल में हर चीज में जाता है, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है इससे। इसको खुद लगता है कि लोग मेरे से अच्छा का एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या है, इसीलिए कोई गलती ना हो जाए इसलिए सदैव चलते रहना, मतलब क्या, परसीवर करना, उसके लिए क्या रूब्रिक। ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों सदैव चलते रहना, क्यों? आर्सेनिक का पेशेंट बीमार भी है तो क्या करता है, उठ के सब चीज को सही करके तब फिर आता है लेटने के लिए। ठीक है ना, तो इसका क्या रूब्रिक होगा, देखिए कितना बढ़िया रूब्रिक है, एंग्जाइटी सेडेंटरी लाइफ फ्रॉम। सेडेंटरी मतलब क्या है, निष्क्रिय, बहुत अधिक बैठा रहने वाला लाइफ, खाली बैठ के, इसीलिए इसको घबराहट होने लगता है। जैसे सोया हुआ है, बैठा हुआ है, देखा कि अरे उधर बोर्ड अच्छे से नहीं लगा है, घड़ी अच्छा से नहीं लगा हुआ है, वॉल में ठीक से ढंगा हुआ नहीं है, वॉल पे जो कोई भी कैलेंडर है तो वो थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसीलिए इसको घबराहट शुरू होता है और खड़ा होकर जाकर उसको ठीक करता है कि नहीं यार बैठने से अच्छा है कुछ करो। एंग्जाइटी सेडेंटरी लाइफ फ्रॉम, सेडेंटरी का मतलब क्या है, निष्क्रिय, जिसमें बिस्तर में पड़ गए शरीर खराब होगा, गंदा हो जाएगा। इसीलिए लोग बोलता है कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि आदमी चलते फिरते चला जाए। ठीक है, आदमी चलते फिरते चला जाए, वो बिस्तर में लेट के और बिस्तर पे पूरा टट्टी पेशाब करके, वो जीवन मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, ये उसके पीछे कारण होता है। ठीक है, क्यों, एंग्जाइटी, उसके साथ साथ एंग्जाइटी क्या बताया था, सल्वेशन ऑफ, ठीक है, एंग्जाइटी सल्वेशन ऑफ। सल्वेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग स्वर्ग नरक का भी बात नहीं करेंगे, लेकिन सल्वेशन का मतलब क्या है कि शरीर मतलब खराब नहीं होना चाहिए, शरीर सही रहना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए शरीर। इसलिए एक और रूब्रिक इसके साथ हो जाता है,
delusion body. Delusion body putrefy will. इस salvation का डर क्यों है, anxiety क्यों है? Salvation तो मोक्ष है, ठीक है, स्वर्ग नरक वाली बात है, क्यों ऐसे बात करता है कि डॉक्टर साहब सोए सोए बिस्तर में लेट के मरने से अच्छा है कि आप चलते फिरते मर जाए। ये दो रूब्रिक आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, ये है एंग्जाइटी, डिल्यूजन बॉडी, प्यूट्रीफाई विल। प्यूट्रीफाई का मतलब क्या है, देखिए डिक्शनरी में, सड़ना, गल जाना, सड़ गल जाना, महकना, स्मेल करना। तो जब आप बिस्तर में लेट जाएंगे, इमूवेबल हो जाएंगे बीमारी के कारण से, तो क्या होगा, बिस्तर में ही सब कुछ करना पड़ेगा, तो क्या होगा, नरक हो जाएगा ना जीवन। साल्वेशन का मतलब क्या है, मोक्ष पाना। मोक्ष का मतलब ये इस जीवन से शांति मिलना, फिर बार बार आपको जन्म लेने का जरूरत नहीं है। मोक्ष का मतलब लिटरली मीनिंग यही है। लेकिन यहाँ पे, यहाँ जब वो कोई जिंदा आदमी है, उसको साल्वेशन का क्यों चिंता है, क्योंकि बीमार होने से, बिस्तर में लेटने से, अगर इमूवेबल हो गए, क्या बोला रूब्रिक, एंग्जाइटी, सेडेंट्री लाइफ फ्रॉम इमूवेबल लाइफ, सेडेंट्री मतलब निष्क्रिय, इमूवेबल, चलना फिरना बंद हो जाएगा, बिस्तर में लेट जाएंगे, चल के बाथरूम भी नहीं जा पाएंगे, ठीक है, वो सोच के इधर चिंता में पड़ जाता है। ये वैसा लाइफ नहीं चाहिए, इसीलिए सर आर्सेनिक को बाहर से सब कुछ अच्छा चाहिए, अंदर से नहीं, क्योंकि अब बिस्तर में लेटेंगे, वही गंदा वाला टट्टी किया हुआ, पता नहीं कैसे लोग साफ करेगा, नहीं करेगा, शरीर महकेगा, तो यही है डेल्यूजन बॉडी पिट्रीफाई। इसीलिए ये डरता है, इसीलिए ये बताता है आपके पास आके कि डॉक्टर साहब आदमी को चलते फिरते मर जाना चाहिए, ये बिस्तर में घसीट घसीट के नहीं मरना चाहिए। उससे क्यों मन नहीं मरना, क्यों ऐसी बात करता है, यही डेल्यूजन बॉडी पिट्रीफाई विल और एंग्जाइटी साल्वेशन अबाउट। जब शरीर इतना गंदा ही हो जाएगा तो क्या रुकता, नरक का जीवन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है से हैं, मुझसे बात कर दो। इसीलिए आर्सेनिक इतना साफ सुथरा, आप कोमा का पेशेंट बताया था ना, ये कोमा में है वो पेशेंट, और देखो कैसे अपने आप को साफ रखना चाह रहा है। कोमा का पेशेंट 4 दिन से कोमा में है, और उसको आर्सेनिक का वो उसका सारे नेचर है, तो कैसे करता है, एक तो हाथ ऐसे रखता था, बार बार मैं हटा रहा हूँ, बार बार लेके आ रहा है ना, कर रहा है ना, ये रूब्रिक बताया था ना आपको, नहीं बताया, वैसे तो गेस्चर जी, हाँ ববল আসে ওইটা এরকম করে বার করতো, এরকম দূর হাত করে এরকম ছিল শরীর থেকে দূর, কিতনা ফাস্টেড হয়, मतलब कोमा में है फिर भी उसको अपना गंदगी लग रहा है शरीर में, ये प्यूट्रीफाई विल बॉडी, विल प्यूट्रीफाई, सड़ जाएगा बॉडी, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, क्यों इतना फास्टिडियस है, और भी लोग फास्टिडियस है, लेकिन इसमें आप केवल फास्टिडियस में डेल्यूजन बॉडी प्यूट्रीफाई जोड़ दीजिए, देखिए आपको आर्सेनिक आ जाएगा। इसीलिए ये इतना साफ सुथरा रहता है, सड़ा गला जीवन नहीं चाहिए, महकने वाला लाइफ नहीं चाहिए,
ठीक है, वही वही एंग्जाइटी सॉल्वेशन है, पीस, ये सब चीजें। तो ये इससे जो एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि भाई इनको दे दीजिए ये सब काम करके, एंग्जाइटी एक्सपेक्टेड ऑफ हिम व्हेन एनीथिंग इज, ये अपना दुकान को क्यों अच्छा लगता है कि लोगों को पता है कि इनके यहाँ सारा जो भी सामान खरीदने जाएंगे वो एक तो साफ सुथरा परिष्कार मिलेगा और रेट भी सही रहेगा, रेट में भी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए लोग इसके पास इसका इसके साथ इसको लगता है कि मेरे पे एक्सपेक्टेशन है कि मैं इनको अच्छी चीजें दूंगा, साफ सुथरा दूंगा और बढ़िया क्वालिटी का चीज, इसीलिए लोग मेरे पास आते हैं। तो इसीलिए जब ये इतना ज्यादा घबराहट में लगता है, ये रूब्रिक है एंग्जाइटी एक्सपेक्टेड ऑफ हिम व्हेन एनीथिंग इज। अब ये रूब्रिक क्यों, व्हाई एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, ठीक है, अगर मैं अच्छी सामान नहीं दूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, अरे उसके यहाँ तो गंदा सामान मिलता है या वो आदमी ठीक से व्यवहार नहीं करता है, तो उससे क्या होगा, सोसाइटी में मेरी इज्जत चली जाएगी, नाप कट जाएगा, ठीक है ना। फास्टिडियस होने का इसका पीछे का कारण यही दो चीज है कि इससे एक्सपेक्टेशन आदमी को ज्यादा होता है और ये जो उसको जो एक्सपेक्टेशन लोगों की एक्सपेक्टेशन से घबराहट होती है, क्यों होती है कि अगर मैं उनके लेवल में नहीं पहुंचा, उनके जो उनका जो एक्सपेक्टेशन है तो मेरी नाक कट जाएगी अगर मैंने कुछ गलत किया। तो फियर नोज कट ऑफ ऑफ हैविंग नोज, कितना बढ़िया से कनेक्शन है ये फास्टिडियस के साथ, दो दो चीजें, एक तो बॉडी प्यूरिफाई हो जाएगा इसलिए साल्वेशन नहीं होगा, इसलिए इतना साफ सुथरा और अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना, घर के द्वार को साफ सुथरा रखना, क्योंकि वो खाली बॉडी प्यूरिफाई होगा तो महकेगा ना, तो इसलिए बॉडी के साथ साथ आसपास भी तो साफ सुथरा होना चाहिए। फियर नोज कट ऑफ और हैविंग टू नोज, मेरे जहाँ नोज फियर नोज कट ऑफ ऑफ हैविंग टू नोज, ठीक है बोलते तो बोले तो नाक कटे जाए भाई, काज भार मतन करते हबे, ठीक है प्रतिष्ठा चले जाए, ताई जोने एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, ঠিক আছে কি ভাই ইসকে হ্যাঁ এই এই যে মানুষ আছে খুব ভালো মতন কাজ করে, ওনার কাছে গেলে আপনার কোনো চিটিংবাজি হবে না আর পরিষ্কার ভালো জিনিসটা আপনি পাবেন, রেটটাও ভালো হবে, আপনাকে বার্গেনিং করতে হবে না, ঠিক আছে। অ্যান্ড ক্যারিটিস হ্যাড টু বি ফাস্ট, নাক কাট যায় মানে তো ইজ্জত প্রতিষ্ঠা চলে যাবে, ঠিক আছে। आर्सेनिक पेशेंट के साथ निभाना बड़ा कठिन होता है ना, आर्सेनिक पेशेंट होंगे ना बासावास करा अनेक असुविधा अनेक कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ठीक है। सभी लोग उस तरह के मापदंड पे नहीं चल सकते, मैंने आर्सेनिक जो स्टैंडर्ड आसे एक तो सेट करे से स्केल, यही स्किल में हमारा लाइफ चलना चाहिए, किंतु सबई तो ওরকম করতে পারবে না। আমারও যে তো ফ্রেন্ড আছে আমার বাড়িতে যে তো লোক আছে ওখানে যদি একটা আর্সেনিক পেশেন্ট হয়ে যায় তাহলে কি হবে, সবই তো ওরকম হয় না, তো সব সবাই পরিষ্কার এই সব মানে একটু নোংরা হলে যা বকা শুরু, একটু ধুল হলে এরকম করবে, এখানে ধুল ধুলা কেন এরকম করে কাপড় নিয়ে সাফ করবে, ওটা কে করেছে এটা এরকম, ঠিক আছে। इसलिए साथ में रहने वाले में खट्टापन आ ही जाता है, क्योंकि वो केवल अपने आप को सही नहीं रखता अपितु दूसरों को भी अपने हिसाब से रखना चाहता है। वो क्यों है,
क्यों आपस में थोड़ा सा ये हो जाता है, अरे यार बंक करके रख देती है, या वाइफ है हस्बैंड है, अरे एक मिनट के लिए बैठने नहीं देता। तो मैं बताता हूँ ना, हम लोग जब सर्विस में थे तो हमारा एक सीनियर अफसर था, तो हम लोग को डिफेंस में हमें कोई इतना दिक्कत नहीं है, कभी भी यही सबई तो ओरकम होते पारबे ना ना, तो गालागाली करतो पिछने, मैंने फटने भी नहीं देता, यार ये ऐसा आदमी है कहीं ना कहीं काम में लगा सकता, एरकम बोलतो सब। तो इस तरह से थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाता है, खट्टापन आ जाता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से रखना चाहता है, वो चाहता है कि दूसरे भी समय से और ठीक से काम करें। ठीक है, जैसे एक मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ ना, कि वो रात को 2 बजे भी अगर सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गया तो बुला लेगा और खुद पहुंच जाएगा, खुद भी आएगा और हमें भी बुला लेगा। तो ये चीज तो था, ऐसा नहीं कि वो केवल हम लोग को बोल देता था, खुद भी आ जाएगा एकदम पक्का, रात के 2 बजे 1 बजे 3 बजे, ऐसा हम लोग बहुत बार किया। जैसा दूसरे भी समय से और ठीक से काम करे जैसा कि वो करता है, सभी लोग उस तरह से तो कर नहीं सकते जैसा वो चाहता है। और आर्सेनिक पेशेंट अपनी सेट माइंड से बाहर नहीं निकलना चाहता है, इसलिए बीमार हो जाता है ना। वो महिला का क्या, क्यों बीमार हो गया, तो जो जिसका पीरियड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वाले बात है ना, तो वो लेडी क्यों बीमार हो, क्योंकि उसने जो सेट किया था कि भैया हम शादी के बाद अकेले रहेंगे और एग्रीमेंट किया था, लेकिन वो फुलफिल नहीं हुआ, उसके कारण से वो बीमार होना शुरू हो गया। उसने जो सेट किया हुआ था एक स्केल, एक स्टैंडर्ड कि हम ऐसे रहना है, वो नहीं हो रहा है, तो धीरे 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 वो सोचते सोचते वही बात दिमाग से निकलता नहीं है, तो बीमार हो गया। आर्सेनिक पेशेंट अपनी सेट माइंड के बाहर नहीं निकलना चाहता, वह जिद्दी और शांत नहीं होता जब तक कि उसकी जरूरत पूरी ना हो जाए। अब ये लेडी का क्या हो रहा है, डॉक्टर को पास आके क्यों बोला कि मेरा जो एग्रीमेंट हुआ था कि हम अलग अलग रहेंगे वो नहीं हो रहा है, मेरे को वो वाला चाहिए, तो हम उसका क्या करेंगे, ये जो है ना रेस्ट कैनॉट बीन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, वो निकालना है उसके दिमाग से, क्योंकि वो ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकता ना कि भाई आपके साथ कोई नहीं रहेगा, लेकिन उसके दिमाग से तो वो बात नहीं निकल रहा है। जैसे कल हम जब मैं क्लास ले रहा था तो एक डॉक्टर ने बताया कि एक लेडी आई और बार बार ये बात बोलती थी, डॉक्टर साहब मन शांत नहीं रहता है। ठीक है, मन शांत नहीं, ऐसे तो ठीक ही हूँ, सब काम वाम कर लेती हूँ, लेकिन मन शांत नहीं होता, बार बार बोले उसको पेन वेन सब ठीक हो गया। तो ये चीज की मन शांत नहीं होता है, उसने क्या किया, नक्स 1 mm दे दिया उसको, और जब नेक्स्ट टाइम आई वो बोली डॉक्टर साहब ठीक है बाकी सब तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब अभी मन में ना मेरे इतनी शांति है, तो यही बताना चाहता हूँ, नक्स को अंदर से शांति चाहिए, मन का अंदर है ना, बाहर नहीं, तो ये मन अंदर से उस वो जो शांत नहीं हो रहा था ना, वो फास्टिडियसनेस उसका, इसलिए बोला कि नक्स को अंदर से शांति चाहिए। तो डॉक्टर ने मुझे खुद बोला कि सर जो हम क्लास में आपने बताया था, तो हम सोचे यार ये मन शांत नहीं होता है, मन शांत नहीं होता है, बार बार बोलती है, ये नक्स का पेशेंट हो सकता है। और देखिए कैसे प्रूविंग होता है ना, जितना भी प्रूविंग लिखा हुआ है ये तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया लिख दिया, तो उस तरह से कल डॉक्टर साहब ने बताया तो मेरे को भी लगा हाँ यार सही है, तो अब मन शांत हो गया तो अपने आप बाकी सब चीज ठीक हो जाएगा। तो नक्स शांत नहीं होता है, मन में शांति नहीं होता, मन में शांति हो गया उसका सब बीमारी ठीक हो जाए। वो बहुत जिद्दी और शांत नहीं होता जब तक कि उसकी जरूरतें पूरी ना हो जाए, तो इस लेडी का पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए परेशान हो रहा है।
डिजायर फुल ऑफ डिजायर मोर देन सी नीड, ऐसा थोड़ी होता है यार कि सास ससुर नहीं रहेगा जब वो माँ बाप है उसका कहाँ रखेगा, गांव में रहते हैं अभी वो अच्छा नौकरी करने लग गया, पैसा ऑफिसर हो गया, अच्छा शहर में रहता है, वो भी चाहता है कि भाई माँ बाप अच्छे से रहे, गांव में वो मिट्टी में क्यों रहे, धूल मिट्टी में क्यों रहे, माँ बाप है भाई इतना मेहनत से हमको, हम लोग किसान था, वो लोग खेती कर करके हमको पढ़ाया लिखाया, हम आज इतना बड़ा अफसर बन गया, तो माँ बाप को क्यों छोड़े। लेकिन इस लेडी का क्या हो रहा है, इसका तो फुलफिल नहीं हुआ ना, इसने जो एक्सपेक्ट किया था वो फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए ये बीमार हो रही है बार बार। ठीक है, तो ये डिजायर फुल ऑफ डिजायर के कारण से आप बीमार हो, प्रिजुडाइज ऑब्स्टिनेट क्वाइटेड कैनॉट बी कैरी ओनली बाय बीइंग और पर्टिनेसिटी, यही बता रहा था ना पर्टिनेसिटी, मतलब वो अपने लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए ये एक परसीवर कर रही कि नहीं मेरे को ऐसे ही करना था, ऐसे ही चलना था, कोशिश कर रही है ना, ऐसा नहीं है कि एकदम से वो ये करती है मेरा निकाल दो इन लोगों को, मेरे घर में मत रखो, ऐसा नहीं बोलती है, क्योंकि उसको भी लगता है कि नहीं भाई है तो अपने ही लोग ना, रिलेशन को अच्छा बना के रखना है, खराब नहीं करना चाहिए रिलेशन में, अगर मैं कुछ बोल दूंगी तो हो सकता है कि रिलेशन खराब हो जाए, हो सकता है मेरे हस्बैंड बोल दे कि नहीं मैं भाई तुम ठीक है तुम जाओ अपने घर, मैं अपने माँ बाप के साथ रहूँगा, तलाक हो जाएगा, ये भी बात उस लेडी ने बताया था, এরকম কথা বলছিল যে আর মানে তালাক হয়ে যাবে, ডাইভোর্স করে করে নিতে হবে, ওই ভয়ে আমি কিছু বলি না, আর খেয়ার আসে, খেয়ার আদেশ পর তো আসেই না, আমারও ইচ্ছা করে যে আমার শাশ্বশ্বরীকে আমিও দেখি ওনার কাজ করে দিই, কিন্তু হচ্ছে না, করতে পারছি না, দুসরেকে কাম মে সাফ সাফাই সে উসে স্যাটিসফ্যাকশন নেই হতো, অন্য যদি করে দেয় কি এরকম পরিষ্কার করে দিল सेटिस्फेक्शन हो, देखो मैंने उसके लेवल का सेटिस्फेक्शन चाहिए, जो वो लेवल चाहता है वैसा चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो उसको पसंद नहीं है, छोड़ो मैं कर देगा ऐसा करके कर, पर ऐसा तो जरूरी नहीं कि सारा काम खुद कर ले, निजे ही तो करते पार बिना सब कुछ, जेरकम स्टैंडर्ड अच्छा अच्छे ओरकम तो सब समय करते पार बिना ना, और सबई तो पूरा बाड़ी काज तो कर ही नहीं, একা লোক তো লাগবে, সারা কাম খুদ করলে ইস কারণ উসকে কাম কাজ পর আসন পড়নে লাগতা হ্যায় আর তব উসকে মন মে ডর আর চিন্তা কি সরসরাহট, ইস এই ওয়ার্ড বহুত ইম্পর্টেন্ট হ্যায়, সরসরাহট মতলব ক্যা হোতা হ্যায়, শরীর মে এক তরহ সে না जैसे कोई आप रास्ते में जा रहे हैं अंधेरा हो गया और कुछ आवाज हुआ तो कैसा होता है शरीर में, एक तो अजीब टाइप से एक सिहरन पैदा हो जाता है, एक हल्का सा लगेगा कि अरे यार शरीर में थोड़ा सा ऊपर ऊपर का डर आना शुरू हो जाता है, अंदर से नहीं है ऊपर ऊपर में ऐसे लगेगा शरीर पे कुछ ऐसा चल गया, वैसे ही चीज है यहाँ पे, इस कारण उसके काम काज पे असर पड़ने लगता है और तब उसके मन में डर और चिंता की सरसराहट शुरू हो जाती है, वो एक घबराहट जैसा हल्का सा शुरू हो जाता है, अरे यार मेरे से होगा कि नहीं होगा ये काम, उसे अपने काम और आने वाले समय की चिंता होने लगती है, अब उसे अपनी चिंता होने लगती है कि अब तक जो उसने इज्जत अपनी बनाई अपने लिए बनाई कहीं वो चली ना जाए, ठीक है, जो अपना उसने एक घर में अपना एक इज्जत बना के रखा है, अपने प्रतिष्ठा को बना के रखा है, वो चली ना जाए, इसलिए वो बताया था ना डिल्यूजन डे एंड नाइट, ठीक है, ये जो रूबरिक है यहाँ पे ये कनेक्ट करके मैं एक केस बताता हूँ, एक महिला को सर्वाइकल पेन है, आई मेरे पास बता रही हूँ घर बैठा करे और সার্ভাইকাল বেল্টটা আমি বেঁধে রাখি তাহলে ঠিক থাকে, খুলে দিলে না অসুবিধা হয়, ঘাড় এরকম এরকম করলে অনেক অসুবিধা হয়, তাই জন্য ওই ওর কারণ এই মানে উসকে কারণ সে হাতও তো ব্যথা করে, তাহলে জাস্ট কথা চলছিল চলছিল, আমি বললাম মানে কোনো চিন্তা উন্তা আছে এখন কিছু চিন্তা করেন ওই কথাটা নিয়ে, ও বলছে কি ডাক্তারবাবু এখন ওর ছেলের বিয়ে হয়নি, বয়স্ক হয়ে গেছে
বড় হয়ে গেছে ছেলেটা, দুটা ছেলে, বলছি ডাক্তারবাবু আমি মনে এই কথাটা চলতে থাকে যে যখন আমার ছেলেদেরকে বিয়ে দিয়ে দেব, বউ আসবে, মেরে বচ্চে আর উনকি বহু পতা নেই উনকে সাথ কেসা বর্তাও করেগি, মানে আমার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করবে যখন আমার ছেলের বিয়ে হয়ে যাবে। এই চিন্তাটা আমার মাথায় চলতে থাকে সবসময়। মানে চাহতি হুম কি চলতে ফিরতে মত হয়ে যায়, বিস্তর না পকড়না পড়ে। কেন এইসব কথাটা বলতেছে? বলল ডাক্তারবাবু কালকে আমি স্বপ্নতে দেখেছি। কি দেখেছেন? কালকে আমি স্বপ্নতে দেখলাম যে আমি মরে গেছি, আর ফাটাফাট আমার বউ আমার ছেলে না বিছনা থেকে আমাকে নিচে জমিনে করে দিয়েছে, আর নিচে কিছু বেছায় নাই, চাটাইও দেয় নাই, এমনি জমিনে রেখে দিয়েছে। তো উসকে দিমাগ মে এই বাত পেহলে সে ভি চল রহা হ্যায় কি মেরা বউ আর বেটা মেরা কো ধ্যান দেগা কি নেই দেগা, ক্যা করেগা মেরে সাথ, কেসা ব্যবহার করেগা। তো ও দিমাগ মে চলতে 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 ইয়ে চিজ আ গয়া উসকো স্বপ্ন মে দেখ লিয়া কি বিছনা সে উঠা কে মেরে কো নিচে রখ দিয়া। ঠিক আর উস अब इसको लग रहा है कि यार मेरा शरीर इतना खराब हो गया कि एकदम से मेरे को जमीन पे रख दिया और नीचे कुछ नहीं बिछाया कि खराब हो जाएगा वो सामान, बिछना खराब हो जाएगा, है खाट जो पलंग में सुला के रखा है वो मेरा पलंग बर्बाद हो जाएगा, इतना अभी इनका शरीर इतना सड़ मतलब गंदा हो गया, मैं इतनी गंदी हो गई कि मेरे को जमीन पे रख दिया और नीचे में कुछ नहीं दिया, ऐसी এমনি রেখে দিয়েছে ডাক্তার বাবু আমাকে, আমার শরীর মানে আমি এরকম হয়ে গেলাম যে ফেলে দাও এখন একে, নোংরা হয়ে যাবে বাড়ি, বিছনা নোংরা হয়ে যাবে, এইরকম কথাটা আমাকে বলতে। ভাবো যে পেশেন্ট কিরকম 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 হয়, আর একটু দেখো ওখানে রুব্রিক দেওয়া আছে, আর কি বলছে চলতে ফিরতে মত হয়ে যায়, बिस्तर पे नहीं पड़ना, यही है एंजाइटी सॉल्वेशन। क्यों? बॉडी प्यूटिफाई विल डेल्यूजन, बॉडी प्यूटिफाई विल, सड़ गल जाएगा ना तो शरीर महकेगा ना बिछना में पड़े पड़े, चलते फिरते मर जाऊं इन लोग के मतलब बिछना से मेरे को ऐसा उसको इतना यही बोला ना, सरसराहट शुरू हो गया, डर आ गया, जब रोज सोचती रहती थी अभी शादी भी नहीं हुआ बच्चे का, तो एक दिन सपने में दिख ही गया उसको, अब उस दिन भाग के आई, बहुत दिन से दर्द है, एलोपैथी दिखा रहा है ठीक नहीं हो रहा है, उसको पता है आसपास के लोग मेरे पास आके ठीक होते हैं, उसी का एकदम जस्ट बगल में एक महिला उसका सर्वाइकल पेन ठीक हो गया, उसको पैड बेल्ट लगाना बंद हो गया, मतलब अच्छे से काम धाम कर रही थी, ये चीज इसको पड़ा जब इसको सपने में दिख गया। आप सोचो कितना फास्टिडियस होते हैं, सपने से भी डरता। तो डेल्यूजन बेड ये रूब्रिक है, देखिए डेल्यूजन बेड ड्रॉन फ्रॉम अंडर हार्ट, बेड का नीचे उसके नीचे से बेड हटा दिया गया, मतलब क्या वो जमीन में रख दिया ना उसको, बेड ड्रॉन फ्रॉम अंडर हार्ट अलाइटेड ऑन द फ्लोर एंड सी हैड अलाइटेड ऑन द फ्लोर। अलाइटेड मतलब क्या है? अवतरित मतलब उठा के कहीं रख देना, अलाइटेड मतलब ये होता है, जैसे बीमार आदमी है तो उसको स्ट्रेचर में उठा के एम्बुलेंस में रख दिया, वो भी है रूबी टेबल बोलिंग सर, डिल्यूजन बेड ड्रॉन फ्रॉम अंडर हर, मतलब क्या हुआ ड्रॉन फ्रॉम अंडर हर बेड, सी इज ड्रॉन फ्रॉम अंडर हर बेड, जो बेड पे था वहां से उठा के कहां रख दिया, लाइटेड ऑन द फ्लोर जमीन में रख दिया। अब इस पेशेंट का स्थिति को समझे कि इस पेशेंट की क्या स्थिति है ना।
alighted on the floor and she had सपना देख रही है इस तरह से. इसी तरह से एक पेशेंट और आया था, बोला डॉक्टर वो ऐसा है कि मैं कल रात में सपना देखी हूँ कि मैं मर गई हूँ और मेरा फ्यूनरल का तैयारी हो रहा है. बांस वास ले आया, उसका सीढ़ी बनाना है, कपड़े ले आए, सब लोग आ गए हैं और मैं देख रही हूँ कि सब मेरा बच्चा लोग मेरे को उठा के ले जाने का तैयारी कर रहा है. ये अलग रूबरिक है, चले ठीक है, उसमें अलग मेडिसिन है. तो इस तरह से हम चीजों को उसके पेशेंट का भाव को समझिए, पेशेंट के फीलिंग को समझिए कि ये बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि उसको वो चीजें वो पहले से सोचना शुरू कर देता है कि अब मैं मरने वाली हूँ और मेरा बच्चा लोग मेरे को ऐसे ऐसे करके ले जाएगा, अच्छे से सजा सजवा के ले जाएगा. ये भी है ठीक है, वो भी डिल्यूजन में ही है. मेरे को अभी याद नहीं है, डिल्यूजन डेड ही हिमसेल्फ वाज एंड फ्यूनरल इज प्रिपरेशन ऑफ फ्यूनरल इज मेड, ऐसे करके कुछ रूपरेख है. बहुत लंबा बहुत बड़ा रूपरेख है, अकेला लैकेसिस है उसमें. ठीक है, ये समझ में आ गया. डिल्यूजन बेड ड्रॉन फ्रॉम अंडर हर, उस 45 ईयर्स की लेडी थी उस समय. अभी तो उसके बच्चा शादी वादी हो गया, पोता पोती सब हो गया. तो ये चीज दिमाग से निकालना है कि मेरा बेटा बहू मेरा देखभाल करेगा कि नहीं. इसीलिए डॉक्टर बाबू हाथा चला कर ले मरे गल भाल हो गए वही बिछनाते गलम पड़े थके वही सब हमें चाहिए. ठीक है, सेडेंट्री लाइफ ऑफ, ठीक है, एंजाइटी सेडेंट्री लाइफ फ्रॉम. सेडेंट्री मतलब क्या है? अचल. निष्क्रिय मतलब कोई काम करने लायक नहीं रहूंगी, अधिक देर तक बैठना पड़ेगा, अधिक देर तक बिछना में ही पड़े रहना पड़ेगा, कोई काम नहीं कर पाने वाला, निष्क्रिय हो जाऊंगी, वो लाइफ नहीं चाहिए. आप सोचिए कि आर्सेनिक इतना फास्टिडियस क्यों होता है. तो ये सब कारण है उसका फास्टिडियस होने का, क्योंकि उसको वो भागता क्यों रहता है, ये काम कर वो काम कर, इसको ठीक कर उसको ठीक कर, क्योंकि उसको सेडेंटरी लाइफ नहीं चाहिए, बैठा हुआ वाला लाइफ नहीं चाहिए, निष्क्रिय वाला लाइफ नहीं चाहिए. ठीक है ना, समझ रहे ना बात. ये आर्सेनिक का फास्टिडियस घोड़ा है, आप फिजिकल में पढ़ाते ना घोड़ा, आर्सेनिक का घोड़ा से कंपेयर करते ना आर्सेनिक को, जब फिजिकल क्लास में बताते हैं मटेरियामेंट का घोड़ा से कंपेयर. घोड़ा क्या आता, गंदी जगह पे बैठता ही नहीं है, वो गंदा जगह में नहीं बैठेगा घोड़ा, खड़ा रह जाएगा रात भर. लेकिन आप कभी देखा घोड़ा को बैठते हुए? नहीं देखेंगे आप, हमेशा वो खड़ा रहता है, चलता रहता है. इसीलिए उससे कंपेयर किया है, सेडेंटरी लाइफ नहीं चाहिए घोड़ा को, एक जगह बैठ गए बैठ के आराम कर रहे, नहीं वो घूमता रहेगा, खड़ा भी रहेगा तो इधर से एक पैर उठा लेगा, फिर तीन पैर पे खड़ा रहेगा, फिर दूसरा पैर उठाएगा, फिर तीन पैर पे खड़ा रहेगा, शांत नहीं रहेगा, निष्क्रिय लाइफ नहीं चाहिए. सर मानो तो उसका ना स्पीकर टा ऑफ करते बोले मंतोष बाबू, स्पीकर ऑफ करे दो भाई. अच्छा तो सर मंतोष स्पीकर ऑफ करे दो, शब्द होच्छे हैं साउंड होच्छे कुछ. ঠিক আছে, এই এই রুব্রিকটা বুঝে গেলেন. মেইনলি আপ এসে সমঝো না কি ইতনা ফাস্টিডিয়াস কিউ হ্যায় আর্সেনিক. ঘোড়া সে মে আপকো কম্পেয়ার করকে বতা রহা হু, ঘোড়া কভি ব্যাঠতা নি হ্যায়. আপ রাত মে ভি উঠ কে দেখেঙ্গে না, ঘোড়া আপকো ব্যাঠা হুয়া নাহি দিখেগা. ভাই সবকো সোনা হ্যায় না, লেকিন ঘোড়া সোতা নি, কিউ সোয়েগা কেসে নি, সোনা হ্যায় উসকো ভি সোনা হ্যায়, লেকিন ও ক্যা করতা হ্যায়, খড়ে খড়ে সো লেতা, কিউকি ও জাহাঁ খড়া হ্যায় ওয়াহাঁ গন্দা হো গ্যা, तो गंदा में वो बैठ नहीं सकता. इसीलिए आपको कंपेयर करके बताया जाता था कि घोड़ा से कंपेयर करो आर्सेनिक का. मटेरियामेंट का जब कॉलेज में पढ़ाया जाता है ना, तो घोड़ा से कंपेयर करते. यही है आदमी का भी, यही चीज है कि वो क्यों सेडेंटरी लाइफ नहीं चाहिए. बैठ जाएंगे तो काम करने लायक नहीं रहेंगे, और गंदगी में बैठेंगे तो बॉडी क्या होगा, सड़ेगा, महकेगा, गलेगा, और उससे क्या होगा, सॉल्वेशन नहीं होगा. जो लाइफ का हमारा जो पर्पस है,
वो पूरा नहीं हो, ठीक है। इसको ऐसे कनेक्ट करना है। फास्टिडियस क्यों है? क्योंकि सेडेंट्री लाइफ उसको पसंद नहीं है। एंग्जाइटी सेडेंट्री लाइफ फ्रॉम, एंड सेडेंट्री लाइफ से क्या होगा? बॉडी पीट्रीफाई, ठीक है, से डेल्यूजन बॉडी पीट्रीफाई विल सेडेंट्री लाइफ होने से। इसीलिए चलते फिरते मरना है, बिछना में सो के नहीं मरना है। तो और क्या होगा? पीट्रीफाई हो जाने से बॉडी में महकने लगेगा तो एंग्जाइटी सॉल्वेशन ऑफ, मोक्ष नहीं मिलेगा, गंदा होके शरीर ले जाना पड़ेगा। तो ऐसा गंदगी वाला शरीर नहीं चाहिए जो महकने लगता है, ठीक है। ये चीज को आर्सेनिक को ऐसे समझना है। तो ये रूब्रिक कहां से पता करना पड़ेगा ना कि क्यों ऐसा कनेक्शन। तो ऐसे कनेक्ट करके हमको रूब्रिक सीखना है। बोले ये रूब्रिक तो बोले ना सर, डिल्यूजन बेड ड्रॉन, डिल्यूजन बेड ड्रॉन फ्रॉम अंडर हर, हां अलाइटेड ऑन द एशियन পর্যন্ত একটা মেডিসিন দেখাচ্ছে হিস্টামোনিয়াম স্যার। হ্যাঁ তো বেড এটা তো মিনিং একটু একটু আলাদা হবে। হ্যাঁ এটা আলাদা হবে। বেড কি ইলুশন বেড ড্রন ফ্রম আন্ডার হার হিস্টামোনিয়াম। হ্যাঁ কেন? তারপরে লাইটেড অন দ্য ফ্লোর এন্ড সি হেড এইখানে আর্সেনিক। আর্সেনিক তো বেড কি আছে? কিসি কে লিয়ে বেড কে? आराम का जगह, आराम का जगह। और हार्मोनियम को क्या होता है? आराम का जगह चाहिए जहाँ पे सब लोग है, उसका उसका उसको देखभाल करने के लिए लोग चाहिए, ठीक है। इसीलिए बेड, ठीक है सर। वहां से अगर वहाँ लोग नहीं रहेंगे, अकेला हो जाऊंगा तो मैं डर के ही ऐसे, इतना डर होता है अकेला से, उसको डर है ना। तो बेड कहाँ मिलेगा? घर में ही मिलेगा, ठीक है। एंड फियर पॉवर्टी ऑफ, फियर स्टार्विंग ऑफ, ये सब चीज कनेक्टेड है। लेकिन एक्चुअल चीजें क्या है, ये जो रूब्रिक मैंने बताया आप लोग को, ये थोड़ा आप लोग भी ढूंढिए, आप लोग भी कुछ नया करिए। आर्सेनिक का जो मेन फीलिंग है ना, ये चार पांच रूब्रिक से मेन फील आता है। फास्टिडियस क्यों होता है? कि उसको सेडेंटरी लाइफ नहीं चाहिए। सेडेंटरी लाइफ से क्या होगा? बॉडी पिट्रीफाई होगा और उसको सॉल्वेशन नहीं होगा। इसलिए फास्टिडियस है, मैं साफ सुथरा रहूं, चलते फिरते मर जाऊं, बिस्तर में लेट के नहीं मरूं। बिस्तर में लेटने से क्या होगा? डटी पेशाब सब उधर ही करना है, तो महकेगा ना, बिछौना भी महकेगा, घर भी महकेगा, सब गंदा हो जाए। इसलिए चलते रहो, चलते फिरते मर जाओ, ठीक है। एंग्जाइटी सेडेंट्री लाइफ फ्रॉम, निष्क्रिय लाइफ नहीं चाहिए, चलते फिरते वाला लाइफ चाहिए। ये रूब्रिक कोई नहीं बताता। हम इतना ये सेमिनार में जाते थे, कभी कोई नहीं बताता, तो खुद ढूंढना पड़ता है कि ये चलते फिरते मर जाओ, चलते फिरते भगवान उठा ले, इसके लिए रूब्रिक कहाँ है? वो तो बताना पड़ेगा ना। और बताने वाले भी जो क्लास लेते हैं या सेमिनार करते हैं, कितना बताएगा भाई? करना तो आपको है ना, ठीक है। दूसरे जब उसकी तरह रहना, उसके मन मुताबिक काम करना नहीं सकते, तो हो सकता है अगले के साथ गुस्से में गर्मा गर्म बहस हो जाए, झगड़ा हो जाए। इसलिए परिवार में आपस में द्वेष की भावना होने लगती है, मतलब आपस में थोड़ा सा मन मुटाव शुरू हो जाता है। मतलब अरे यार, ये तो इसके साथ रहना ना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे घर में लोग बोलने लगते हैं। एक सेकंड के लिए शांत नहीं रहते, बक 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 कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, है ना। तो ये चीज तो इसके कारण, क्यों कि इसके तरह आप बनी नहीं सकते, ठीक है। ये सब आपस में एक दूसरे को गलत बातें कहना, एक दूसरे की इज्जत नहीं करना, बच्चों के सामने ही पति से झगड़ा हो जाना, ऐसे व्यक्ति बहुत सारी बातों को मन में रख लेते हैं, चुप कर जाते हैं। पर जब बर्दाश्त की सीमा खत्म हो जाती है ना, ऐसे लोग क्या होता है कि फिर भी ये लोग थोड़ा शांत होता है, उसके जैसा तो बन नहीं सकता है, तो आपस में लोग एक दूसरे का बुरा ही शुरू हो गया, तो ये चुपचाप सहता रहता है, सहता रहता है, सहता रहता है।
लेकिन जब बर्दाश्त करते करते जब उसका सीमा खत्म हो जाता है तब क्या करता है, गुस्सा भड़क उठता है, तब सारा माजरा ही मतलब सारा सिचुएशन ही बदल जाता है और उस व्यक्ति का दूसरा पहलू सामने आ जाता है जो इतना अच्छा था, लोगों से मिलजुल के रहना, रिलेशन को अच्छा करके रखना, है ना। जो व्यक्ति इस तरह का था उस समय क्या हो जाता है, क्यों ऐसा करने लगता है, ठीक है, तो वो क्या होता है वो देखते हैं। उस व्यक्ति का दूसरा पहलू सामने आ जाता है, अब तो खराब से खराब व्यवहार का कार्य देखने को मिल जाता है, अब जो है ना गंदा से गंदा काम उसके साथ देखने को मिल जाएगा, व्यवहार आपके साथ वो पूरी तरह से गाली देना, गुस्सा दिखाना और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलना, अपनी अपनी व दूसरों की इज्जत की कोई परवाह नहीं करना। पहले क्या था, अपना इज्जत बचाने के लिए क्यों, एंग्जाइटी एक्सपेक्टेड ऑफ हिम व्हेन एनीथिंग इज, इसलिए ये हमेशा व्यवहार में एकदम परफेक्ट रहेगा, लेकिन जब दिखेगा कि मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा है और लोग मेरे बारे में उल्टा पुल्टा कुछ कुछ बोल रहे हैं, तब ये दूसरा साइड दिखेगा, वो कॉइंस का नेगेटिव जो अदर साइड दिखता है। पॉजिटिव साइड क्या है, अच्छा है, लोगों का विश्वास है और इतना बढ़िया से काम करेगा कि आप खुश हो जाएंगे, और काम इसलिए करेगा कि मेरा इज्जत ना चला जाए। लेकिन जब इसका गुस्सा हो गया कोई कारण से, दूसरा उसका लाइफ का दूसरा साइड देखने को मिलेगा, तो कैसा क्या व्यवहार करेगा और कैसा रूब्रिक होगा उसके साथ, वो बुरी तरह से गाली देना, गुस्सा हो जाना और अपनी व दूसरों की इज्जत का कोई परवाह नहीं करना, जो मन में आया सारा कुछ सामने ही कह देना, ठीक है, चाहे कोई भी हो, सामने कोई भी हो, उस समय वो बहुत ही खराब भाषा का प्रयोग करता है, अरे नोंगा कथा, काली वाली दे देना, तो उसके लिए क्या रूब्रिक है, अब्यूसिव, अब्यूसिव हस्बैंड, इंसल्टिंग हस्बैंड इज वाइफ बिफोर चिल्ड्रन और वाइस वर्सा, वाइफ हस्बैंड को बच्चों के सामने या सब पूरा परिवार के सामने गाली गाली करना, गुस्सा करना, या हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसा बोल देना, ठीक है, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, इरिटेट होता है, दिमाग में पेन हो रहा है ना, दिमाग उसका उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो दिमाग में अन ऑनर सेंस ऑफ ऑनर नो, ऑनर सेंस ऑफ ऑनर नो, नो सेंस ऑफ ऑनर, ठीक है, क्रुएल्टी एंड स्पिटिंग फेस ऑफ पीपल इन, ठीक है, ठीक है से ए रूब्रिक हो, अरे तो तुम्हें कि बोलें, एंग्जायटी अब्यूसिव এর আগে अब्यूसिव না তার আগে एंग्जायटी ওটা রিপিট করতেছি, एंग्जायटी সালভেশন, एंग्जायटी বডি পিউটিফাই, ও আশ্চর্যের জন্য, ঠিক আছে, হ্যাঁ আছে, বার বার বুঝানোর জন্য মানে আমরা একটু মাইন্ড সেট হয়ে যাবে না যে আর্সেনিক হয় কেমন, কোনো কি দেখলে আমরা বুঝতে পারবো তো কি আর্সেনিক মতন আছে এই পেশেন্টটা, ঠিক আছে, অ্যাবিউসিভ হাজবেন্ড লিখে নিয়েছো, আর রিপার্টারিতে ঠিক করে দাও, ঠিক করে দেখে নাও বাস, হ্যাঁ, ইরিটেবিলিটি পেন ডিউরিং অনার সেন্স অফ অনার নো, ক্রুয়েলটি স্পিটিং ফেস অফ পিপল ইন, আর দেখো একটা ওই যে একটু পেশেন্ট 55 ইয়ার্স ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার, এখানে না ফুটা হয়ে গেছিল পুরো ফুটা, পুঁচ বেরোচ্ছে, ওখান থেকে কীড়া বেরোচ্ছে, পোকা বেরোচ্ছে, গেলাম বসে আছে ওই মহিলা বিছনার উপর বসে আছে, ওই রুমটা এত পরিষ্কার ভালো একদম, আর ওনার বিস্তর বিছনাটা কোথাও আপনি একটা ক্রিজ মানে একটা ঘুচ এই চাদরটা না এরকম এরকম হয়ে যায় না, ঘুচ কি বলে ওটা গোচা যা না, ও সবই নেই থাক, এক কর্নার মে বেঠি ও লেডি বাল বাল ধোকে, কিন্তু উসকো পতা কি ইহা সে মহকতা হ্যায়, ইসিলিয়ে উস লেডি নে উস দিন আচ্ছে সে বাল বাল ধোকে, শাড়ি ভি নয়া সাফ সুতরা শাড়ি পহন কে বেঠি, বাল ধোকে ইতনা লম্বা লম্বা বাল, 55 ইয়ার্স ওল্ড লেডি,
बहुत सुंदर और अनमैरिड, शादी नहीं किया उसने, ये वही कारण है कि उसके ऐसा कोई मिला नहीं और उसके कारण से वो बीमार हो गया और उसका सारा इलाज हो गया, मुंबई भी गया, चेन्नई, बैंगलोर सब करके आ गया, नहीं अब कोई बोलते हैं मैं आपका कोई उपाय नहीं है, अब ले जाओ घर। तो उसका एक भाई मेरे को लेके गया, मैं जब घर में गया तो वो लेडी, मैं बोला दीदी कैमन से, माना ये 15 वर्ष आगे का बात है। तो उसका पूछा दीदी कैमन से, किच्छू बोल ना, बोलचे डॉक्टर बाबू आपनर कासे कोनो मोरार ओषुध आछे? তাহলে আমি তো একদম মিস হয়ে গেলাম, কেন কেন মরতে চাচ্ছে? বলছে ডাক্তার বাবু এত ব্যথা নিয়ে কেউ কেউ জিতে চায়, কেউ বাঁচতে চায়? বলেন এত ব্যথা নিয়ে কেউ বাঁচতে চায়? ঠিক আছে, তাহলে আমি দুটাই নিয়েছিলাম, রুব্রিক নিয়েছিলাম যে কিল্ড ডিজায়ার টু বি, ঠিক আছে, কিল্ড ডিজায়ার টু বি, কিল্ড ডিজায়ার টু বি আর প্রেইং আর বিয়ারি অফ লাইফ পেইন ফ্রম, এই তিনটা রূপ কি বলছে? ওটাও হবে সুসাইডাল ডিসপোজিশন পয়জন বাই, দেখো তুই কি বলছে, ওষুধ আছে পয়জন দিয়ে দাও আমাকে, আপনার কাছে কোনো মরার ওষুধ আছে? মরার জন্য কি করবে, ওষুধ খাবে না পয়জন খাবে? ये चीज हम लोग को समझना है भाई कि पेशेंट जो बोल रहा है वो चाहिए क्या उसको, ठीक है। और उसको मैंने दिया, नेक्स्ट डे उसका भाई आया, सर चलिए थोड़ा देख के आते हैं दीदी को, तो गया देखने के लिए, तो गया डॉक्टर बसे आसे, मैंने एक हाँसी तो दीचे, मैंने दीदी कैमन आसे, बोलते ठीक है, मरार इच्छा? আরে বলছি ব্যথা না হলে কে মরতে চায়, এরকম বলছে, ঠিক আছে। তো কিন্তু এজ মে মেরে সে জাদা না, 15 সাল পেলে 45 কেতনা হবে, 45 কা হোগা। একটা রুবিক হলো স্যার কিল্ড ডিজায়ার টু বি, কিল্ড কিল্ড ডিজায়ার টু কিল্ড কিল্ড জি কিল্ড কিল্ড, আমাকে মেরে দেন, আপনি মেরে দেন, এরকম ওষুধ দিন যে আমি মরে যাই। কিল মানে হলো আমি মারব, আর কিল্ড মানে হলো কেউ আমাকে মেরে দেয়। জি জি কিল্ড ডিজায়ার, কিল্ড ডিজায়ার টু বি, আর একটা হলো প্রেইং, প্রেইং এন্ড ভিয়ারি অফ লাইফ পেইন ফ্রম আর সুসাইডাল ডিসপোজিশন পয়জন বাই, ভিয়ারি অফ লাইফ, হ্যাঁ ভিয়ারি অফ লাইফ পেইন ফ্রম, তো ব্যথা হলে কেউ বাঁচতে চায়, এই কথা। মানে লাইফটা কি হয়ে গেছে, একদম ভার হয়ে গেছে লাইফ, এর থেকে আর ডিসপেয়ার রিকভারি হবে, তাই তো বলছে এরকম, এই কথা কেন বলবে? চল আজকে হো গেয়া ভাই, টাইম হো গেয়া দাদা, স্কুল টাইম কালিতা দা, দেখো রেডি হচ্ছে স্কুলের জন্য, ঠিক আছে, হুম ঠিক আছে, কালকে আবার নেক্সট করব, বাই, নমস্কার, হ্যাঁ বল, স্কুল কেন, স্কুল নেই আজকে, স্কুল নেই তো মেরা তো হ্যায় ভাই, ওয়াইফ কো ছোড়, হ্যাঁ ওয়াইফ কো ছোড়নে জানা, ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে, কিছু বলে গেছে মানে কুছ তো সমঝ মে আয়া না আর্সেনিক, হ্যাঁ আচ্ছা, कैसा घोड़ा से कंपेयर, आपको कॉलेज में पढ़ाते थे ना घोड़ा से कंपेयर कर, घोड़ा आपको बताया कभी कि घोड़ा क्यों नहीं बैठता है? उसके लिए रूब्रिक तो नहीं बताया, खाली बोला घोड़ा, घोड़ा से कंपेयर है ना,
हम सीखना चाहते हैं। घोड़ा से कंपेयर कर रहा है तो भाई उसका रूब्रिक तो बताओ, लेकिन क्या करेगा, टीचर को भी पता नहीं है कि कैसे इसको घोड़ा से केवल कम, उनको भी जो टीचर उनका बता दिया घोड़ा से कंपेयर करो, उनका भी टीचर यही बताया होगा, लेकिन वो क्यों ऐसा करता है, वही है डेल्यूजन, बॉडी पिट्रीफाई विल, गंदा लग जाएगा जमीन में बैठेगा तो। अभी वो लेडी क्या बोली, मेरे को बिस्तर से उठा के, मैं सपना में देख रही हूँ बिस्तर से उठा के जमीन में रख दिया, बोले डॉक्टर बाबू ये रुको है ना कि मतलब क्या, मेरे को जंदा जमीन पे रख दिया, बिस्तर एक चादर भी नहीं बिछाया नीचे, ऐसे रख दिया मेरे को, ऐसे बोल रही वो लेडी, बता चलो मरा भी नहीं है अभी, अरे ये बात कर रहे है कि नहीं, सपने में भी इतना खतरनाक सपना देख रहा है, दिमाग में हमेशा डिल्यूजन है ना, नहीं फास्टिडियस नहीं है, डिल्यूजन डे एंड नाइट, ये दिमाग में घुसा कि उसका बहू आएगा तो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, ये रूबरी का देखिए डिल्यूजन डे एंड नाइट, ठीक है, एंड फियर डे एंड नाइट, ये दोनों मिलाएंगे आर्सेनिक आ जाएगा, ठीक है, टाइम हो गया है।